तामस देह। अरे वो तो ब्राह्मण था, चारों वेदों का ज्ञाता था, तामस तन कहां था? चारों वेदों का ज्ञाता, कैलाश पति के अनेक आशीष जिससे मिले, रावण जैसे ही बलशाली, उसके अनेक पुत्र अतिकाय प्रशस्त, कितना बलशाली मेघनाथ। लेकिन वो कहता है कि मैंने ये एक आहार की विकृति विचार की, काम की, उसने मुझे तमोगुणी बना दिया, तामस देह बन गई, तमोगुणी देह बन गई, शुद्धि पर विचार नहीं गया कभी, इसलिए मैं राक्षस बन गया, मैं निशाचर बन गया, शुद्धि का विचार कभी आया नहीं। और मुझे आपसे एक निवेदन करना था, ये थॉट लेके जाना जरा आज का था में से, इस थॉट को थोड़ा डेवलप कीजिए, इस थॉट को, ये बहुत बहुत आवश्यक थॉट है, ये शुद्धि का थॉट, हमें शुद्धि पर विचार करना चाहिए। शुद्धि से भी और ऊपर का एक शब्द है सुचिता, और उससे भी ऊपर का एक शब्द है पवित्रता, इस पर विचार करना चाहिए। रावण कहता है मैं तमोगुणी रहा, तामस देह रही, तामस तन साधन कछु नाही, मेरा तामस तन है ये मेरा तमोगुणी स्वभाव, भगवान में मेरी प्रीत नहीं हो सकी, मैं भजन नहीं कर सका, क्योंकि मेरा आहार ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, मेरे संस्कार बिगड़ गए। ये पता है कब ठीक हो सकते थे? जब मैं संतों के संग रहता, मैं उपदेश को मान लेता, मैं सत्संग करता, मैं भजन करता, तो जीवन मेरा कुछ और होता। अरे लक्ष्मण, राम को जाकर कह देना उनके चरणों में प्रीत नहीं रख सका मैं, क्योंकि मैं भजन नहीं कर सका, अब वो मुझे क्षमा कर दें, लेकिन मैं जीत गया हूं ये भी उन्हें बता देना, मैं जीत गया हूं। लक्ष्मण ने कहा भाई आप तो हारे हुए हैं, जीत कहां गए? बोले जय तो है ही, उन्होंने मेरा वध किया है, उनके हाथों से मारा गया हूं, उनके धाम में जा रहा हूं, ये मेरी जय है, बिना भजन के उनके धाम में, बिना भजन के उनके धाम में पहुंच गया।